नमस्कार बालाजी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका रसमे रसोई में। धन्यवाद। तो बालाजी, आप हमें बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? हम कढ़ाई ढोकला बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी 10 मिनट में बन जाता है। जैसे घर में गेस्ट आते हैं जी, कोई सामान नहीं है, ये घर में सब चीजें होती हैं, तो इसे बहुत जल्दी आप तैयार करके सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट पहले सूजी डालेंगे हम। ओके, ये 1.5 कप सूजी है। 1.5 कप सूजी, हाँ जी। इसके बाद हम 3 चम्मच बरी कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अच्छा, ठीक है। और अगर हमारे पास और सब्जियां हैं? नहीं, वो इस्तेमाल नहीं होंगी, फिर टेस्ट नहीं बैठेगा आपका। नहीं, जैसे अगर शिमला मिर्च और गाजर नहीं है घर में, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई और सब्जी हम इसमें डाल सकते हैं? बीन्स डाल सकते हैं आप इसमें। ओके, मटर डाल सकते हैं उबले हुए। ओके, ठीक है। तो हमने इसमें 3 चम्मच अब शिमला मिर्च डाल दी। हाँ जी। ओके। और 3 चम्मच हम डालेंगे गाजर बारीक कटी हुई कच्ची। ठीक है। एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। ओके। 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च। ओके। नमक स्वाद अनुसार। ठीक है। जो हल्दी हम डालेंगे वो थोड़ी बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे। ठीक है। इससे कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ओके। येलो कलर हो जाए। ठीक है। और आधी कटोरी दही डालेंगे हम। आधी कटोरी दही। हाँ जी। ओके। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हमने जितनी भी चीजें थी जो ढोकले में डालनी थी, हाँ जी, वो एक ही मिक्सिंग बोल में मिक्स कर ली। हाँ जी, हाँ जी, एक बॉल में मिक्स कर लीजिए। और ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट सॉल्ट। ओके। पूरा 1 चम्मच होना चाहिए। ओके। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ओके। तो ये जो दही हमने इसमें डाला, हाँ, करीब आधा कटोरी, हाँ, तो ये नॉर्मल जो दही घर में होता है वही डालें? हाँ, घर में जो होता है वो डिब्बे वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें लेस आ जाती है। ओके, ठीक है। ओके, ये घोला हमारा तैयार हो गया जी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। ओके। उसमें चारों तरफ पहले थोड़ा सा तेल लगाएंगे। ओके, ठीक है। तो हमें एक डीप कढ़ाई चाहिए। हाँ जी, थोड़ी डीप कढ़ाई चाहिए जिससे शेप आ जाएगी केक की। अच्छा, ये पहले कढ़ाई में चारों तरफ फैलाएंगे। अच्छा, जिससे वो चिपके ना। अगर चम्मच से नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे। 1 टीस्पून तेल और? तेल डालेंगे। ओके। अब आप इसकी गैस जला दीजिए। ऑन कर दूं? हाँ जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून मोटी राई। ओके, ठीक है। अंदाज 1.5 चम्मच डाल दीजिए। 1.5 चम्मच, हाँ जी, ठीक है। थोड़ी ब्राउन हो जाए। ठीक है, इसे गर्म कर लेते हैं। हाँ जी, लाइए, मैं इसे स्टोर कर देता हूँ। हाँ जी। इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे। ओके। बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, आप इसको गैस हल्की कर दीजिए। ओके। अब इसमें सारा घोल डाल देंगे। ओके। थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। ओके। हल्का सा, इसको ज्यादा घुमाना नहीं है? नहीं यार, घुमाना बिल्कुल नहीं है। ओके। बस इसको फिर धीमी आंच पे ढक देंगे। हा? और 10 मिनट तक रोकेंगे इसको। ओके, तो 10 मिनट तक इसे स्टीम पर पकने दें। हाँ जी। ओके बालाजी, अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो क्या इसका ढक्कन उठा लें? हाँ जी, उठा लीजिए। ओके। ऑलमोस्ट, हाँ जी, पक चुका है। हाँ जी। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम पलटेंगे। ठीक है, तो पलट दीजिए। लाइए, मैं हेल्प करूं। हाँ जी। इस तरह से? हाँ जी। तो बालाजी, हमने यहाँ पे इसे पलट दिया है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको प्लेट में डाल दीजिए जी, और ठंडा होने दीजिए थोड़ी सी देर। ओके। फिर इसके पीस काट के और सर्व कर दीजिए। ओके। यहाँ पर खास आपके लिए तैयार है ऐसी रेसिपी, जो आप आज ही ट्राई कीजिए और वीकेंड में आप इसे पार्टीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई ढोकला। कढ़ाई ढोकला बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी 1.5 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 3 छोटे चम्मच, बारीक कटी गाजर 3 छोटे चम्मच, बारीक कटी अदरक 1 छोटा चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, पिसी हल्दी 1 चुटकी, दही आधा कटोरी, पानी 1 कप, फ्रूट सॉल्ट 1 छोटा चम्मच, तेल 2 छोटे चम्मच, राई 1.5 छोटे चम्मच, कड़ी पत्ते 5 से 6। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में सूजी, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, दही और पानी डालकर मिला लें। अब इसमें फ्रूट सॉल्ट डालें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें राई, करी पत्ते, तैयार मिश्रण डालें और धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। प्लेट में निकालें, काटें और सर्व करें।